अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड गूगल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज व्लॉग फैसलाबाद में दोबारा से कंटिन्यू करते हुए अपनी सेहत का भी ख्याल करना। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं यार अपनी सेहत का भी ख्याल करो, तो इसलिए मैं आपको बताऊँ कि मैं अब बहुत लिमिटेड हो गया हूँ कि यार मैं सिर्फ खाता हूँ बारबेक्यू वगैरह, जिससे ज़्यादा फैट भी मेरा इंक्रीज़ ना हो। और उसके बाद जिम तो मैंने जाना शुरू किया हुआ है, जैसे आपको पता है कि मुआज़ खान ने बड़ी टिप्स दी थी तो उस पर पूरा अमल कर रहा हूँ। अब मैं फैसलाबाद में एक और बड़ी मशहूर जगह, अगर आप चाय पीने के लिए किसी से भी पूछेंगे ना तो आपको वो यासर टी स्टॉल का बताएगा, जो कि मेन हमारे जो फैसलाबाद का एक बहुत मशहूर एरिया है, सत्याना रोड पर वाक़ है। यासर कैफ़े पर आए हैं, वहाँ पर उन्होंने साथ साथ अपना बारबेक्यू भी स्टार्ट किया हुआ है और एक कम्प्लीट रेस्टोरेंट लाइन है उनके पास। उनके पास आए हैं, उनका सारे बारी बारी सारी चीज़ें ट्राई करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि उनका टेस्ट कैसा है। आज नाज़रीन अंदर चलते हैं, जाके ऑर्डर करते हैं। उसके बाद मैंने गोलगप्पे अंदर जाते जाते देखा था, उन्होंने गोलगप्पों का एक अलहदा से स्टॉल लगाया हुआ। पहले गोलगप्पे खाएंगे, उसके बाद कम्प्लीट डिनर करेंगे और उसके बाद स्पेशल, जिसमें ये स्पेशल है, इनकी स्पेशलिटी है कि वो बहुत ज़बरदस्त चाय बनाते हैं और चाय पी के आप लोगों को बताएँगे कि इनका खाना कैसा है। आ जाएँ। लो जी दोस्तों, सबसे पहले गोलगप्पे वगैरह खा लिए जाएँ ताकि आपको इनका टेस्ट बता सकूं। पूरी प्लेट अगर खा लूँगा तो मेरा ख्याल है मुझे भूख नहीं लगेगी, मगर एक दो खा के उसके बाद आप लोगों को सिर्फ टेस्ट बताने के लिए या चेक करने के लिए बताते हैं कि कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाला दोस्तों, गोलगप्पे बहुत ही मज़ेदार हैं और जेन्युइनली इतने अच्छे गोलगप्पे खाने के लिए ना मेरा ख्याल है हमें स्टेडियम जाना पड़ता है। अब स्टेडियम नहीं जाना पड़ेगा, अब इधर आएंगे और इधर से खा लिया करेंगे। मेन्यू उनका मैंने देख लिया था, ऑर्डर पहले मैंने कर दिया है ताकि तब जब तक मैं गोलगप्पे खाऊँ तब तक खाना भी आ जाए। आराम से गोलगप्पे खाते हैं और बात होती है आपके साथ खाने में। लो दोस्तों, खाना छाना उन्होंने सर्व कर दिया है। एक तो उन्होंने स्पेशल पराठा हमें दिया है, क्या बात है, देख के बड़ा लजीज लग रहा है। छोटा सा पिज़्ज़ा लग रहा है मगर है ये पराठा है। उसके अंदर उन्होंने फिलिंग शिलिंग करके ऊपर लवाजमात डाल के और साथ में बड़ी ज़बरदस्त दो किस्म की सॉसेज दी हैं और साथ में रायते वाली, आपको पता, पुदीने वाली चटनी है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ यार, इनकी सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ क्योंकि खुला डुला सा माहौल है। आराम से आगे अपने दोस्तों वगैरह के साथ आगे बंदा कंप्लीट फन कर सकता है, लूडो खेलना चाहे, टेबल पे लूडो भी लगी हुई है, आराम से आए लूडो शुडो खेले, खाना खाए और उसके बाद अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके और फिर घर जाए। और दीवारों पे तस्वीरें पीछे मेरे देख सकते हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की तस्वीर लगी है, क्या ही बात है। उनकी तो तारीफ़ करते हुए बंदा इंसान अल्फाज भूल जाता है, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें बंदा कैसे करे। लेजेंड आदमी थे, फैसलाबाद की पहचान थे। खाना खाते हैं और उसका टेस्ट बताते हैं कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, और मैं बिल्कुल सही कह रहा था, ये पिज़्ज़ा टाइप चीज़ ही है कोई, इसको खाना कैसे है। थोड़ा सा इसको तोड़ के ना फिर खाते हैं, देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो चम्मच कांटे वाले चक्कर में पड़े तो लंबा काम हो जाएगा। ओह हो, ये तो मेरा ख्याल है मैंने ख़राब ही कर लिया। ओए गर्म ही बहुत ज़्यादा,
बिल्कुल यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके ऊपर डाल लेते हैं जनाब। नाज़रीन, उन्होंने इसका नाम ना स्पेशल पराठा रखा है। मेरे ख्याल से इसका नाम पराठा पिज़्ज़ा होना चाहिए। ये उनको जाके सजेशन देते हैं क्योंकि इसका टेस्ट पिज़्ज़ा जैसा है और बना ये पराठे की तरह है। पिज़्ज़ा पराठा नाम इसका ठीक ही रहेगा और है बहुत मज़े का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मेरा ख्याल है चीज़ें सारी इन्होंने ना पिज़्ज़े वाली डाली हुई हैं। चीज़ भी है, उसके बाद ऑलिव्स भी हैं, उसके बाद चिकन भी है, टमाटर भी डाला हुआ है, केले भी काट के ऊपर गार्निश की हूँ मैं। तो ये ज़्यादा नाम इसका यही बेहतर है, पिज़्ज़ा पराठा। मगर अगर आप लोगों ने खाना हुआ तो नाम मेरे वाला नाम नहीं लेना, स्पेशल वाला पिज़्ज़ा कहना, स्पेशल पराठा कहना। सॉस भी चेक करते हैं इनकी कैसी है। सॉस के साथ और मजे का। ये इनका रोल पराठा है। अब ये टेस्ट करते हैं ये कैसा बना हुआ है। दोस्तों चटकारा रोल है, ये टेस्ट करते हैं। बहुत सारे पराठे खाए हैं मगर ये बड़ा यूनिक किस्म का पराठा है, चटकारा रोल। खाना एंजॉय करते हैं, जब तक बारबेक्यू आता है ना फिर बात करते हैं आपके साथ। लो जी नाज़रीन, ये कैंडी बोटी इनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की लग रही थी। हाय 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 हाय, क्या ज़बरदस्त चीज़ है और इतनी टेस्टफुल लग रही है और इतनी नरम है कि मैंने हाथ ही लगाया और वो हाथ में आ गया। ज़बरदस्त, दोस्तों साहब पुदीने वाली चटनी है, कैंडी बोटी है और साथ में मलाई बोटी है। थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि डाइटिंग पे हो तो ज़्यादा खा नहीं सकता। कैंडी बोटी तो टेस्ट कर ली है, अब क्या कहते हैं इनका ये खा के देखते हैं ये कैसा है। मलाई बोटी है, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, मज़ा आने वाले हैं। बहुत सॉफ्ट और जूसी किस्म की लग रही है। टेस्ट भी बहुत आला है। दोस्तों इस तरह की मलाई बोटी जो है आपको कम ही खाने में मिलेगी। अब इनका स्पेशल जो तवा चिकन है वो खाते हैं। अच्छा यार, मैंने ये गलती कर ली है कि मैंने उनका जो पराठा था ना वो उनको कहा कि ज़रा ये स्पेशल किस्म का होगा या डिफरेंट होगा, तो उन्होंने पराठा तो मुझे सर्व कर दिया। मगर ये थोड़ा सा मेरे से गलती की ये हो गई है कि आपने ये गलती नहीं कर रही। आप लोगों ने जब आना ना तो आपने प्लेन पराठा लगवाना है या सादा पराठा लगवाना है। ये लच्छेदार जो पराठा है ना ये चाय के साथ खाते हैं, आपको तो पता ही होगा। मैंने गलती की, आप लोग ना कीजिएगा। अब मंगवा लिया तो अब ज़ाया करने से बेहतर है कि इसके साथ ही खा लेते हैं। हाय हाय हाय, मगर ये बहुत हैवी होने वाला है। चलो कोई नहीं, एक्सरसाइज में एक वॉक एक चक्कर और लगा लेंगे।
बहुत ही मज़े का, आउटस्टैंडिंग डे। और ये मेरा जो विज़िट है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने मज़े के खाने आएंगे, या इतने मज़े का इनका मेन्यू होगा, या चीज़ें इतनी मज़ेदार होंगी, मगर मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मज़े का। आप लोग लाजमी विज़िट कीजिएगा, अब खाना इंजॉय करते हैं और बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू। लो जी दोस्तों, एक और मज़े की बात बताऊं, खाना तो इनका बहुत शानदार किस्म का ज़बरदस्त था, टेस्ट वाइज भी, पैसों वाइज भी और लोकेशन वाइज भी, हर चीज़ एक क्लास। सर्विस भी बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा है उन्होंने लड़कों को ना कोई तेल शेल दे के ना तेज़ कर दिया है कि कैमरा लगा हुआ है, आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से सर्विस करनी है। मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोग खुद भी खाने आएंगे ना तो उनकी भी सर्विस ऐसी ही होगी। अच्छा, एंड पे उन्होंने कहा था चाय पी लें, क्योंकि मैंने कहा यार मैंने चाय तो हर दफ़ा ही पीता हूँ, मुझे उसके टेस्ट का भी अंदाज़ा है और उसकी मशहूरी तो ऑलरेडी फैसलाबाद में पहले ही बड़ी बड़ी दूर तक है, आप मुझे कुछ डिफरेंट सी चीज़ आज टेस्ट करवाएं खाने के बाद ताकि मुझे उसका याद रहे। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पेशल किस्म के सोडाज हैं, जिनमें एक तो ये क्या कहते हैं रेड वाला सोडा है और एक वाइट वाला, इसको मेरा ख्याल है ये स्ट्रिंग वाला सोडा कह सकते हैं और ये है आम स्प्राइट वाला सोडा। उसके अंदर उन्होंने कहते हैं कि हमने बड़े ज़बरदस्त किस्म के मसाले वगैरह बना के एक चूरन बनाया हुआ, वो नमक इसमें डाला है और उसके बाद लेमन डाला है ताकि ये हाथ बेदार हो जाए। सेम लाइक है, मेरा ख्याल है मैं स्ट्रिंग वाला तो नहीं लाइक करूँगा, ये वाला ज़रूर पीऊँगा और आपको बताता हूँ ये कैसा है। यार इनके नाम पे ना जाइएगा, नाम सिर्फ कैफ़े है मगर एक ये पूरा कंप्लीट रेस्टोरेंट है। मैंने उन्हें कहा कि आप ये पराठे का नाम जो है ना, ये पराठा पिज़्ज़ा क्यों नहीं रख देते, वो कहते हैं जनाब हमारे पास पूरे पिज़्ज़े की रेंज है, हम इसका नाम कैसे पराठा पिज़्ज़ा रख दें। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पराठे पिज़्ज़े की के अलावा अगर आप पूरे पिज़्ज़ा मेन्यू जैसे एक पूरा रेस्टोरेंट होता है या फास्ट फूड का रेस्टोरेंट होता है, आप उनसे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका मेन्यू भी इसके अंदर ऐड करूँ ताकि आप लोगों के आने से पहले आप लोगों को प्राइजेस माइंड में हो और आप लोग आके आराम से ऑर्डर करें और अपना खाना इंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।